आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है कौशल ब्लॉग। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं महादेव जी की ससुराल। जी हाँ दोस्तों, यह एक जगह है जो कि महादेव जी की ससुराल के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो जगह है ये हरिद्वार से 3.5 किलोमीटर दूर कनखर में पड़ती है। और दोस्तों आप लोग जो है हमारे साथ बने रहना वीडियो में, और जो है हम आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में जो कि महादेव जी की ससुराल के नाम से फेमस है। तो मिलते हैं आपको वीडियो में हम आगे, तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो दोस्तों ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। तो आप लोग देख सकते हो मंदिर के बाहर एक छोटा सा मार्केट लगता है, जहाँ पर आपको मंदिर में पूजा पाठ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो मार्केट है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मार्केट है, आप लोग यहाँ पर आना। छोटा है पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मार्केट है यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों आज हम आए हैं हरिद्वार से 3.5 किलोमीटर दूर, जहाँ पर एक मंदिर पड़ता है दक्षिणेश्वर मंदिर। और ये मंदिर जो है कनखल में पड़ता है, और ये मंदिर जो है महादेव जी की ससुराल के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो आप लोग जो है बने रहना वीडियो में, और मैं जो है आपको इस मंदिर के बारे में हर चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है, देखिए आप लोग देख सकते हो हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर। राम सियाराम जय सियाराम, राम बोलो राम बोलो सियाराम, राम राम बोलो राम, जय श्री शंकर हर हर हर। तो दोस्तों फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं श्री दक्षिणेश्वर महादेव जी के मंदिर में, और अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे साथ वीडियो में। तो हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा ये मंदिर है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन टाइम के समय का ये मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आना और इस मंदिर में ज़रूर विजिट करना। तो दोस्तों कनखल जो है राजा दक्ष की नगरी है और महादेव जी की ससुराल, इसीलिए जो है इस मंदिर का नाम दक्षिणेश्वर मंदिर रखा गया है। तो दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, जिसमें उन्होंने महादेव जी को नहीं बुलाया था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया था, तो इस बात का पता जब देवी सती को चला तो उन्होंने जो है उसी महाकुंड में कूदकर जो है अपने प्राण त्याग देते, जिससे महादेव जी इतने क्रोधित हुए थे उन्होंने जो है राजा दक्ष का वध कर दिया था वीरभद्र के द्वारा। और इसीलिए जो है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है महादेव जी के ससुराल के नाम से। तो दोस्तों यह है महादेव जी और देवी सती की मूर्ति। देवी सती जो है महादेव जी की पहली पत्नी थी और राजा दक्ष की पुत्री थी।
तो दोस्तों यही है वो हवन कुंड जिसमें देवी सती ने कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों चलते हैं इस मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं इस मंदिर के अंदर का दृश्य। तो दोस्तों ये मंदिर बाहर से जितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से भी है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो है इतनी ज़्यादा सुंदरता, इतनी ज़्यादा सजावट की गई है और ये पूरा मंदिर जो है अंदर से कांच के ग्लासेस वगैरह से बनाया गया है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी दोस्तों वो ये थी कि यहाँ पर जो है सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को लगाया गया है और जो है हमने भी जो है सभी का आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों आप जो देख रहे हो ये पेड़, ये काफ़ी पुराना पेड़ है और इसकी परिक्रमा करने से मन की शांति होती है और जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विष्णु भगवान जी के 10 अवतारों को दिखाया गया है, उनकी मूर्तियों को लगाया गया है। तो आप लोग जो है यहाँ पर ज़रूर आना और जो भी विष्णु भगवान जी का भक्त है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी गंगा मैया और ये जगह जो है दक्ष घाट के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आते हैं गंगा स्नान करके जाते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आना और गंगा स्नान करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों ये हैं हमारे श्री राम जी और सीता माता। तो जो लोग भी श्री राम जी के भक्त हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों जो भी महादेव जी के भक्त हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।